Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum class. Today in this lecture we will discuss and learn about the nervous system of amphibians, in which we will discuss in detail the brain of amphibians as well as the nervous and sensory functions in amphibians. Now from this slide we will discuss about the brain of a typical amphibian. The nervous system of amphibian is similar to that of other vertebrates. Yani dusre vertebrates ki tarah hi nervous system hota hai amphibians ka. The brain of adult vertebrates develop from three embryological subdivisions. The amphibian's brain is less well developed than that of reptiles, birds and mammals, but is similar in morphology and function to that of a fish. It is believed that amphibians are capable of perceiving pain. So there are three components of or the three parts of the brain of amphibians. These are the forebrain, which is also known as telencephalon, which coordinates the olfaction. And the second one is the midbrain, which is also known as mesencephalon, which coordinates vision. And the last one is hindbrain, which is also known as rhombencephalon, which coordinates hearing and balance. So this is the evolutionary trend which is dramatic in tetrapods. Yani tamam tetrapods ke andar jo hai isi tarah ke brain ke ye three hi components paaye jaate hain, aur ye teenon components jo hain inka apna apna function hai. Jaise maine aapko bataya ki forebrain jo hai ye olfaction ko control karta hai, midbrain jo hai wo vision ko control karta hai, hindbrain jo hai ye hearing ko aur balance ko control karta hai. तो इस तरह से ये तीनों के अपने अपने फंक्शन हैं. तो फर्स्ट वन इज इसमें अब हम डिस्कस करेंगे, दैट इज फोरब्रेन. द फोरब्रेन ऑफ एम्फीबियंस कंटेन्स ऑल्फैक्टरी सेंटर्स एंड आल्सो कंटेन रीजन विच कंट्रोल कलर चेंजेस एंड विजुअल फंक्शंस. अब जो एम्फीबियंस का फोरब्रेन है इसके अंदर कुछ सेंटर्स पाए जाते हैं जो ऑल्फैक्शन को यानी जो स्मेलिंग को जो है वो कंट्रोल करते हैं, एंड कंटेन रीजन विच कंट्रोल कलर चेंजेस एंड विजुअल फंक्शंस. और इंटरनल फंक्शंस को भी कंट्रोल करने वाले इसमें एरियाज पाए जाते हैं और कलर चेंजेस के भी एरियाज इसके अंदर मौजूद हैं. एज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू दैट द फोरब्रेन कंटेन्स द ऑल्फैक्टरी सेंटर विच अज्यूम्स ग्रेटली इंक्रीज्ड इंपॉर्टेंस ऑन लैंड फॉर डिटेक्टिंग डाइल्यूट एयरबोर्न ऑडर्स. The sense of smell is one of the dominant special senses in frogs. The remainder of the forebrain or cerebrum has little importance in amphibians. Now in this slide you can see the image of a typical brain of amphibians, in which you can see the olfactory bulbs which can detect the dilute airborne odors. यानी हवा में जो ऑर्डर्स होते हैं यानी जो भी कोई स्मेल होगी उसको डिटेक्ट करना है इस ऑल्फैक्ट्री सेंटर ने, ऑल्फैक्ट्री ये बल्ब जो है यहाँ पे ये एरिया जो है. एंड दिस इज़ द फोर ब्रेन पार्ट, ये वाला जो आपको एनसर्कल करके शो कर रहा हूँ, जिसमें टेल एनसीफेलन आपको मैंने बताया था फोर ब्रेन को भी कहा जाता है. तो ये उसका टेल एनसीफेलन है जो कि फोर ब्रेन है जिसकी हमने अभी डिस्कशन की है. सो इस स्लाइड के अंदर आप फ्रॉग का ये ब्रेन देख सकते हैं जिसको यहाँ पे जूम करके आपको दिखाया गया है, जिसमें ये जो है इसके फोर ब्रेन जो है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, जिसमें सेरिब्रम आता है और ऑल्फैक्टरी बल्ब्स आ जाते हैं. उसके बाद ये इसका मिड ब्रेन है और जिसके अंदर ये जो आप ऑप्टिक लोब देख सकते हैं, और उसके बाद इसका क्या है सेरिब्रम है या इसका जो हाइंड ब्रेन है ये वाला इसमें आ जाता है, इसका एरिया हाइंड ब्रेन का. तो जो फोर ब्रेन है उसमें सेरिब्रम था, हाइंड ब्रेन में क्या है सेरिब्रम है. तो जो इसका मिड ब्रेन होता है वो ऑप्टिक लोब्स रखता है और बहुत सारी इंटीग्रेटिव एक्टिविटीज़ जो है फ्रॉग्स के अंदर कंट्रोल कर रहा होता है. तो हाइंड ब्रेन जो होता है इसको एंटीरियर सेरिब्रम में डिवाइड किया गया और पोस्टीरियर मेडुला में. ये एंटीरियर इसका सेरिब्रम है और पोस्टीरियर इसका जो पार्ट होगा दैट इज़ मेडुला. तो ये जो है सेरिब्रम तो दिखाया हुआ यहाँ पर, बाकी मेडुला आप इसका पोर्शन देख सकते हैं जो कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है और मूवमेंट को मेंटेन करता है इन एम्फीबियंस. तो इस तरह से जो हाइंड ब्रेन है इक्विलिब्रियम और मूवमेंट को मेंटेन कर रहा होता है. तो जितनी भी सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं सिवाय विजन के या स्मेल के, वो मेडुला के अंदर से ही पास करती हैं और ये एंटीरियर एंड पे स्पाइनल कॉर्ड के पाया जाता है. तो इस तरह से ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि आप एम्फीबियन में से फ्रॉग के ब्रेन के देख सकते हैं, जो आपको दिखाए गए हैं कि ये फोर ब्रेन है, ये इसका जो है मिड ब्रेन है और ये इसका क्या है हाइंड ब्रेन है.
Now we will discuss about the second component of brain of amphibians or frog, which is known as midbrain. And midbrain contains a region which is called as optic tectum. The functions of optic tectum includes the collection of sensory information and initiation of motor responses. So midbrain also processes visual sensory information. We can say that complex integrative activities of frog occur in the midbrain's optic lobes. यानी जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, जितनी भी चलना है या करना है या सेंसेस को फील करना है, उनको जो है वो इंफॉर्मेशन को लेना है, वो सारा का सारा कंट्रोल कौन सा एरिया कर रहा है? मिड ब्रेन का ऑप्टिक टेक्टम जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है. एंड द लास्ट कंपोनेंट ऑफ ब्रेन ऑफ एम्फीबियन इज हाइंड ब्रेन एंड इट कोऑर्डिनेट्स मोटर फंक्शंस. हाइंड ब्रेन ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स मोटर फंक्शंस विच इज डिवाइडेड इंटू एंटीरियर सेरिबलम एंड पोस्टीरियर मेडूला. The posterior medulla is located at the anterior end of the spinal cord. So hindbrain coordinates motor functions. It also has areas that regulate heartbeat as well as respiration. And these areas include the medulla. Because medulla, in case of medulla, there are some areas like auditory reflexes, respiration, swallowing and vasomotor control. These all functions are present in medulla. So in this slide you can see the optic tectum, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि optic tectum जो है ये एक mid brain का area है जो कि sensory information को collect करता है और motor responses जो है वो frog के अंदर जो है वो पैदा करता है. और मिड ब्रेन जो है ये विजुअल सेंसरी इन्फॉर्मेशन को भी प्रोसेसिंग कर रहा होता है. ये मिड ब्रेन आपको दिखाया गया डाइएन्सेफेलन जो है, तो ये मिड ब्रेन वाला एरिया है. और ये इतना जो आगे वाला था ये आपको पहले बता चुका हूँ कि ये क्या है, फोर ब्रेन का पार्ट है. और ये जो लास्ट पे आपको देख रहे हैं ये सेरिबलम है और ये मेडूला आपको बताया गया है, जिनके मैंने आपको फंक्शंस बता दिए हैं कि मेडूला क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और सेरिबलम फंक्शन क्या परफॉर्म करता है. वैसे आपने हाइंड ब्रेन का याद रख लेने फंक्शंस कि ये मोटर कोऑर्डिनेशन करता है, हार्ट रेट को या रेस्पिरेशन वगैरह को कंट्रोल कर रहा होता है. और इसमें से जो मेडूला वाला एरिया है वो क्या करता है, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को, रेस्पिरेशन को, स्वेलविंग को या वैजो मोटर कंट्रोल को क्या करता है, कंट्रोल कर रहा होता है. तो इस तरह से ये कुछ इसके एरियाज़ हैं जो आपने याद रख लेने हैं. Now we will talk about the sense organs of amphibians. These includes nerve endings, lateral line system and many more. Now we will start our topic with nerve endings. Sensory receptors are distributed over the skin in amphibians. Some of these are bare nerve endings. These nerve endings respond to heat, cold and pain. Yani kuch aise nerve endings ke sire paaye jaate hain jo ke bare hote hain, jo heat ko bhi respond karte hain, cold ko bhi aur pain ko bhi, aur pure ke puri inki jo skin hai uske upar sensory receptors paaye jaate hain. Second system is lateral line system. In case of amphibians they have a lateral line system like fishes, and it is present in all aquatic larvae, aquatic adult salamanders and in some adult aneurons like frogs and toads, and it is present simply or in groups. Yani ye simple bhi ho sakta hai, group ki shakal mein bhi lateral line system ho sakta hai, and distributed in the lateral or on the dorsolateral surface of the body and on head. Yani iski ye positions hai, ya lateral side pe ye hoga ya dorsolateral surface pe hoga ya ye head pe ho sakta hai lateral line system. And it respond to low frequency vibrations in water. यानी पानी की जो बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाली वाइब्रेशंस होती हैं ये उनको रिस्पोंड कर सकता है. एंड इट इज़ लेस इंपॉर्टेंट ऑन लैंड, और ये लैंड के ऊपर जो है इसकी इंपॉर्टेंस कम है. यानी लैंड के ऊपर जो है इसका इतना कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन वाटर के अंदर जो है ये जो है वाटर की जो लो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस हैं एम्फीबियंस के अंदर, उनको ये क्या कर सकता है, लेटर लाइन सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है. So in this slide you can see the lateral line system of a frog. The lateral line is a collection of sense organs which are distributed over the skin or in subepidermal canals of the head and body of aquatic lower vertebrates. They are found in cyclostomes, fishes, larval amphibians, aquatic adult urodelly amphibians and some aquatic aneurons including the South African claw toad Xenopus laevis. In frog, as in all aneuron amphibians,
in which the adults have a mainly terrestrial existence, the lateral line system which is present in the larvae is lost at metamorphosis. Therefore, in adult frog, there is no lateral line system present. सो अगर हम लेटरल लाइन सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको ये कुछ इसके कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं जिनमें फर्स्ट वन इज़ कपियूला. तो ये यहाँ पे आप लेटरल लाइंस ये देख सकते हैं जो कि फ्रॉग की यहाँ पे ये विजिबल हैं. तो इनको ज़रा जो है वो जूम करके दिखाया गया है. तो इसके अंदर ये कपियूला है, ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही है उसमें हेयर सेल्स हैं और सीलियम है एम्बेडेड इन कपियूला. तो अब जब वाटर फ्लो करेगा तो ये सीलियम क्या करेंगे, मूव करेंगे और हेयर सेल जो है इसकी वजह से इनकी मूवमेंट हो गई. यानी तो जब हेयर सेल्स की मूवमेंट होगी तो वहाँ से जो है फिर वो एक एक्शन पोटेंशियल नर्व इंपल्स जनरेट होगी जो कि यहाँ से फिर वो नीचे की तरफ जो है यानी वो ब्रेन की तरफ उसके जो है वो ट्रैवल कर जाएगी क्योंकि ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड है. तो इस तरह से ये जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र कर देता है. यानी वाटर का जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाटर को लेटरल लाइन सिस्टम जो है ये लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को जो वाटर की है उनको ये डिटेक्ट कर सकते हैं. तो वो डिटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, कपियूला के अंदर जो है वो हेयर सेल्स हैं, ये जो वाटर की वाइब्रेशंस को फील करते हैं, फिर उन वाइब्रेशंस को इन नर्व इंपल्सिस के ज़रिए से या एक्शन पोटेंशियल के ज़रिए से जो है वो ब्रेन तक ट्रांसमिट कर दिया जाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कीमो रिसेप्टर्स ऑफ एम्फीबियंस. अ कीमो रिसेप्टर आल्सो नोन एज कीमो सेंसर इज अ स्पेशलाइज्ड सेंसरी रिसेप्टर सेल विच ट्रांसड्यूसिस और कन्वर्ट्स अ केमिकल सब्सटेंस एंडोजीनस और इंड्यूस्ड एंड जनरेट्स अ बायोलॉजिकल सिग्नल. यानी ये क्या करता है, एक सेंसरी रिसेप्टर है जो कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस को जो कि एंडोजीनस भी हो सकता है या इंड्यूस भी हो सकता है उसको जो है वो उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल या बायोलॉजिकल सिग्नल को जो है वो पैदा करता है इन दी फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल. तो कीमो रिसेप्टर जो है वो नॉर्मली कौन सा होता है, न्यूरॉन होती है, नर्व सेल होती है जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर की शक्ल में जो है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर रही होती है. तो अब यहाँ पे जो एम्फीबियंस के कीमो रिसेप्टर हैं ये इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन नेजल एपिथीलियम, दे मे बी प्रेजेंट इन द माउथ और दे मे बी प्रेजेंट ऑन द टंग एंड ओवर द स्किन. ऑल्फेक्शन इज़ यूज्ड इन मेट रिकॉग्निशन, इट कैन डिटेक्ट टॉक्सिक केमिकल्स. तो ये मेट रिकॉग्निशन में भी ऑल्फेक्शन यूज़ होती है यानी कि अपने जो पार्टनर है उसकी पहचान करने में भी, और इसी तरह से जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उनको भी ये डिटेक्ट कर सकती है यानी कि जो कीमो रिसेप्शन है इनकी एम्फीबियंस की. एंड द फोर्थ वन इज़ आइज़ ऑफ एम्फीबियंस. एम्फीबियंस आर प्राइमरीली साइट फीडर्स, यानी एम्फीबियंस मोस्टली जो हैं वो देख के जो है वो अपना शिकार करते हैं. विजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस इन दैम. सो वी कैन से दैट विजन इज़ द डोमिनेंट स्पेशल सेंस इन मैनी एम्फीबियंस. द मोस्ट ब्लाइंड साइसिलियंस आर ओबियस एक्सेप्शन. साइसिलियंस आपने पढ़ा था कि ये ब्लाइंड मोस्टली होते हैं क्योंकि इनकी आइज जो पार्शली कवर्ड बाई स्किन होती हैं, दैट्स वाई दे कैन नॉट सी प्रॉपरली. सेवरल मोडिफिकेशन ऑफ अनसेस्ट्रल एक्वेटिक आइज सर्व टू अडेप्ट दैम फॉर यूज इन एयर. लैक्राइमल ग्लैंड एंड आईलिड्स कीप आइज मॉइस्ट, वाइप्ड फ्री ऑफ डस्ट एंड शील्डेड फ्रॉम इंजरी. Since the cornea is exposed to air, it is an important refractive surface, removing much of the burden from the lens of bending light rays and focusing an image on the retina. As in fishes, accommodation or adjusting focus for near and distant objects occurs by moving the lens. Unlike eyes of most fishes, amphibians' eyes at rest are adjusted for distant objects and the lens is moved forward to focus on nearby objects. यानी एम्फीबियंस की आइज़ जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये साइड फीडर्स होते हैं, जैसे फ्रॉग जो है वो देख के अपना शिकार करता है, तो इसलिए एम्फीबियंस की आइज़ जो हैं ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इनका सेंस ऑर्गन है. जैसे अब हम कुछ हम एम्फीबियंस की आइज़ की बात करें तो वो बाइनोकुलर विजन जो हैं वो शो करती हैं. तो बाइनोकुलर विजन में मतलब दोनों आंखों से ही इमेज बन रहा होता है और वेल डेवलप्ड इनका इमेज होता है जो कि प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है. लेकिन सलमेंडर्स या जो होते हैं उनकी जो है स्मॉल लेटरल आइज होती हैं तो वो बाइनोकुलर विजन नहीं बना पाती. तो यानी डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशी है या कौन सी एम्फीबियन की स्पीशीज़ है, डिफरेंट इनमें आइज़ हो सकती हैं डिफरेंट तरह की. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अडेप्टेशंस इन आइज़ ऑफ एम्फीबियंस फॉर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. The eyes of some amphibians are on the front of the head. यानी ये head के बिल्कुल सामने पाई जाती हैं, जैसे frog को अगर आप देख लें. It forms binocular vision. यानी इसमें जो है वो दोनों आंखों से देखा जब जा रहा हो तो उसे binocular vision कहते हैं. And well developed image which is necessary for capturing of prey. तो इससे image बड़ा clear होता है जिससे वो शिकार आसानी से अपना कर सकते हैं क्योंकि सामने बिल्कुल आंखें लगी हुई हैं.
Other amphibians like salamanders have small lateral eyes, so they do not form binocular vision. अब salamanders की चूँकि small eyes हैं और lateral हैं तो इसी वजह से वो binocular vision को maintain नहीं कर पाते हैं. If we talk about the structure of eye of amphibians, the eyes of tadpole lack lids, but at metamorphosis the cornea becomes more dome shaped. लेकिन metamorphosis के बाद cornea जो इनका होता है वो dome shape हो जाता है, यानी गुंबदनुमा हो जाता है. The lens becomes flatter and eyelids and associated glands and ducts develop. The adult eyes are an improvement of on invertebrate eyes and were a first step in the development of more advanced vertebrate eyes. They allow color vision and depth of focus. In the retinas are green rods which are receptive to a wide range of wavelengths. जैसा कि आपको पता है कि फ्रॉग की आईज़ में अपर आईलिड भी है और लोअर आईलिड भी होता है, तो ये फ्रॉग की आई की स्ट्रक्चर दिखाई गई है. ये लोअर आईलिड है, ये अपर लिड है आईज़ का उसकी. ये कंजक्टिवा है, एक्वियस ह्यूमर, कॉर्निया, प्यूपल, आयरस, लेंस, कोरॉइड, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, स्क्लेरोटिक और विट्रियस ह्यूमर, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं जो कि एक टिपिकल फ्रॉग की आई की स्ट्रक्चर है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ एम्फीबियंस. एज वी नो दैट द लोअर आईलिड इज़ मूवेबल इन एम्फीबियंस, यानी एम्फीबियंस जो हैं वो अपनी आँख के नीचे वाले पपोटे को हरकत दे सकते हैं, तो उसके साथ एक थर्ड आईलिड यानी होता है जिसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है. एंड द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ दिस लोअर आईलिड इज़ नोन एज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. सो द आई बॉल रिट्रैक्ट्स इन टू द ऑर्बिट ऑफ द स्कल एंड द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कवर्स द कॉर्निया. If we talk about the structure of nictitating membrane, the nictitating membrane extends from the frog's lower lid. It is not muscle. It is epithelial tissue similar to the frog's skin. It contains blood vessels, nerve and the connective tissues, collagen. और अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये फ्रॉग की आईज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. द फ्रॉग कैन रेज द आईलिड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम टू प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम डेब्रीज और अदर ऑर्गेनिजम्स. दिस इज़ स्पेशली हेल्पफुल ड्यूरिंग हाइबरनेशन. अब हाइबरनेशन के दौरान क्या होगा कि फ्रॉग इतना अलर्ट नहीं होता है या वो अपने डेंजर को नहीं यानी कि देख सकता है कि कोई भी उसको अटैक कर सकता है, तो फ्रॉग उस केस में क्या करता है, अपनी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन को जो है अपनी आँखों के ऊपर यानी कि जो है नीचे से ऊपर की तरफ रोल कर लेता है, फैला लेता है. तो इस तरह से वो अपने डेंजर को भी देख सकता है या अपने थ्रेट को भी देख सकता है, कोई अपने प्रेडेटर को भी वो देख सकता है, क्योंकि निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, यानी ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा. फ्रॉग्स पुल अप द थर्ड आईलिड ड्यूरिंग स्विमिंग. इसको थर्ड आईलिड भी इसलिए कहा जाता है, ड्यूरिंग स्विमिंग टू प्रोटेक्ट देयर आईज अंडर वाटर. अब जब फ्रॉग स्विम कर रहा होता है तो अपनी आँखों को पानी से बचाने के लिए भी ये अपनी आँखों की प्रोटेक्शन करता है इसी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन को आँखों के ऊपर लगा के. और फोर्थ अगर इसका हम फंक्शन देखें तो ये मॉइस्चर जो है वो चूँकि जो है उसकी कंडीशन को मेंटेन करती है. द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन हेल्प्स एन एक्टिव नॉन हाइबरनेटिंग फ्रॉग टू कीप इट्स आईज मॉइस्ट व्हेन आउट ऑफ वाटर ऑन ड्राई लैंड. अब जब भी एम्फीबियन ड्राई लैंड पे होगा तो अपनी आई को इसने मॉइस्ट रखना है, तो ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन उसको हेल्प करेगी. विदाउट द मेम्ब्रेन अ फ्रॉग्स आई बाल कुड बिकम ओवरली ड्राई एंड इम्पेयर हिज विजन. तो अगर ये ना मेम्ब्रेन होती तो उसकी जो है विजन इफेक्ट हो सकती थी, उसे नज़र ना आता. और ह्यूमंस के केस में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन तो नहीं है, ये क्या हो चुकी हुई, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारा बन चुकी हुई. कभी हमारे एंसेस्टर्स में ये प्रेजेंट थी, साइंटिस्ट कहते हैं ये वेस्टिजियल ऑर्गन है अब. बट हमारे केस में क्या होता है, हम अपनी आँखों को ब्लिंक करते रहते हैं, चबकते रहते हैं, जिससे क्या होता है आँखें मॉइस्ट रहती हैं. ह्यूमन ब्लिंक टू कीप मॉइस्चर इन द आई, बट अ फ्रॉग नीड्स अ कॉन्स्टेंट फील्ड ऑफ विजन टू सीक आउट इंसेक्ट्स और अदर प्रे. डिपेंडिंग ऑन द फ्रॉग स्पीशीज द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इज आइदर ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट, सो द फ्रॉग्स वॉन्ट मिस अ पोटेंशियल मील वैन ही फ्लिक्स इट पीरियोडिकली. सो इन दिस स्लाइड द थर्ड आईलिड ऑफ अ फ्रॉग इज शोन विच इज़ नोन एज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जिसका आपको बताया जा रहा था. ये देखिए अब नीचे की तरफ ये एक ट्रांसल्यूसेंट या ट्रांसपेरेंट जो है वो एक पार्ट है आई का, जिसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो कि आईज़ के ऊपर यानी कॉर्निया के ऊपर जो है वो फैल जाती है. आईज़ का जो कॉर्निया है उसके ऊपर ये फैल जाएगी जब इसको नीड होगी फ्रॉग को. तो ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, इसकी एक ट्रांसपेरेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एकोमोडेशन ऑफ एम्फीबियंस आई. तो एकोमोडेशन क्या है,
इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एडजस्टिंग फोकस फॉर नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए जो फोकस को एडजस्ट किया जा रहा होता है आइज़ के, उसको क्या कहते हैं अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन के लिए फोकसिंग भी वर्ड यूज़ किया जाता है, इसे फोकसिंग भी कहा जाता है। सो इट कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द वर्टिब्रेट आइज चेंजेस ऑप्टिकल पावर टू मेंटेन अ क्लियर इमेज और फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट एज इट्स डिस्टेंस वेरीज। इन दिस डिस्टेंसेज वेरी फॉर इंडिविजुअल्स फ्रॉम द फार पॉइंट द मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर द आई फॉर विच अ क्लियर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन टू द नियर पॉइंट द मिनिमम डिस्टेंस फॉर अ क्लियर इमेज, यानी ये मिनिमम डिस्टेंस होता है जिस पर क्लियर इमेज किसी भी चीज़ का हासिल होता है। तो इसके दूसरी डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एट फोकल पॉइंट ऑन रेटिना, यानी फोकल पॉइंट रेटिना पे अगर लाइट रेज को बेंड कर दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं फोकसिंग और एकोमोडेशन। लाइट वेव्स मूव फ्रॉम एयर इनटू कॉर्निया, दीज वेव्स आर रिफ्रैक्टेड ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी बिटवीन द टू मीडिया, द लेंस इंक्रीजेज रिफ्रैक्शन, द आइज ऑफ एम्फीबियंस कैन फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, बट द प्रोट्रैक्टर लेंटिस मसल मूव द लेंस फॉरवर्ड फॉर फोकसिंग ऑन नियर ऑब्जेक्ट्स। Fish and amphibians vary the power by changing the distance between the rigid lens and the retina with muscles. So, unlike the eyes of most fishes, amphibians' eyes at rest are adjusted for distant objects and the lens is moved forward to focus on nearby objects. Now, we will discuss about the retina of a typical frog. The retina contains both rods and cones, the latter providing color vision. The iris contains well-developed circular and radial muscles and can rapidly expand or contract the aperture of pupil to accommodate changing illumination. यानी इसमें सर्कुलर और रेडियल मसल्स पाए जाते हैं, ये जो इसका पोर्शन है जो आप यहाँ पर आयरस देख सकते हैं ये वाला जो है, तो ये अकोमोडेट लेंस को करता है आयरस जो पोर्शन है इसका यानी कि कॉर्निया का, या तो ये लेंस जो है ये दरमियान में आपको नज़र आ रहा है जो कि फोकस हो जाएगा ड्यूरिंग अकोमोडेशन, यानी कि आगे पीछे ये मूव कर सकता है इन आयरस की वजह से। तो इसी तरह से आप ये पीछे रेटिना देख सकते हैं जिसके अंदर रॉड्स और कॉन्स होते हैं। तो कॉन्स क्या करती हैं, देयर डिटेक्ट कलर्स, दस एम्फीबियंस कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सम वेवलेंथ्स ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ कॉन्स। तो ये कॉन्स की मदद से जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट को भी जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या देख सकते हैं। एम्फीबियंस हैव कॉम्प्लेक्स न्यूरल इंटरकोनेक्शंस इन रेटिना, अब यहाँ पे न्यूरल इंटरकोनेक्शंस बेशुमार कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। देयरफॉर एन एम्फीबियन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लाइंग इंसेक्ट प्रे, शेडो ऑफ प्रेडेटर एंड बैकग्राउंड मूवमेंट्स। तो उड़ता हुआ प्रे भी ये देख सकता है, किसी प्रेडेटर का साया भी देख सकता है और कोई बैकग्राउंड मूवमेंट हो रही उसको भी ये देख सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स जो है वो इंटरकनेक्शन हैं रेटिना के अंदर पाए जाते, जिसकी वजह से न्यूरल कनेक्शंस की वजह से ये सब कुछ देख सकता है, चाहे वो साया हो, चाहे वो बैकग्राउंड मूवमेंट हो, चाहे वो कोई शेडो हो या चाहे वो कोई फ्लाइंग इंसेक्ट प्रे हो। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्बिटल ग्लैंड्स ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस आल्सो हैव ऑर्बिटल ग्लैंड्स एंड दीज ग्लैंड्स लुब्रिकेट एंड वॉच द आई। इसी तरह से एम्फीबियंस के लेंस की अगर बात करें, द लेंस इज़ लार्ज एंड राउंडेड, तो इनकी आइज़ का जो लेंस काफ़ी लार्ज होता है और राउंडेड शेप में होता है, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द बैक ऑफ द कॉर्निया, तो ये कॉर्निया के बिल्कुल पीछे होता है। तो आप ये देख भी सकते हैं इसमें कि ये वाला जो बाहर वाली एक लेयर है ये कॉर्निया आपको दिखाई गई, इसके पीछे ये जो है आप इसका लेंस देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है। अ फोल्ड ऑफ एपिथीलियम कॉल्ड आयरस सराउंड्स द लेंस, द आयरस कैन डायलेट एंड कॉन्स्ट्रिक्ट एंड कैन कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपल। अब ये प्यूपल के साइज़ को जो है आँख की पुतली के साइज़ को भी ये कंट्रोल कर सकती है डायलेशन से या कॉन्ट्रैक्शन से, ये जो आयरस आपको दिखाई थी मैंने पहले भी, ये अकोमोडेशन में यानी हेल्प करती है, लेंस को फोकस करने में हेल्प करती है। Now from this slide we will discuss about the ears of amphibians, particularly the ears of frogs and toads, that is aneurons. As we know that the frog does not have an external ear comparable to that of most other terrestrial vertebrates. There is no pinna and the vast majority of non-species lack an ear canal. So the auditory system of amphibians is adapted for life on land and it transmits both substrate borne vibrations and air borne vibrations, and there are three components of ear. The ears of aneurons consist of a tympanic membrane, a middle ear and an inner ear. There is no external ear, यानी इनमें ear पिन्ना नहीं होगा जैसा कि बाकी आप vertebrates में देख सकते हैं जैसे human beings में होता है।
तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ये इनका फर्स्ट कंपोनेंट है एंड इट इज़ अ पीस ऑफ इंटीगूमेंट एंड इट स्ट्रेचिज ओवर अ कार्टिलेजिनस रिंग। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखाई गई है जो कि एक इंटीगूमेंट्री सिस्टम का हिस्सा है और ये कार्टिलेजिनस रिंग के ऊपर स्ट्रेच की हुई है इस तरफ को ऐसे, और ये रिंग क्या करती है, इट रिसीव्स एयर बोर्न वाइब्रेशंस ना कि सबस्ट्रेट बोर्न वाइब्रेशंस। तो एयर बोर्न वाइब्रेशंस जो हैं वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू जाएंगी और कोलोमेला या जो स्टेप्स बोन है वहाँ तक ये जाएंगी। सो इट ट्रांसमिट्स टू मिडल ईयर। अब यहाँ से जो है मिडल ईयर की तरफ ट्रांसमिट हो जाएंगी और ये आप आगे इनर ईयर देख सकते हैं जिसमें सेमी सर्कुलर केनाल्स आपको दिखाई गई हैं और ऑडिटरी नर्व है उसके आगे, और ये इसका ब्रेन है जहाँ पे प्रोसेसिंग फिर होगी जो भी यहाँ से इसको वाइब्रेशंस रिसीव होंगी ब्रेन को। तो इस तरह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ये एयर बोर्न वाइब्रेशंस को मिडल ईयर तक लेके जाती है और ये जो है कार्टिलेजिनस रिंग के ऊपर क्या की हुई है, स्ट्रेच की हुई है, फैली हुई है। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से नेक्स्ट जो है वो जो नेक्स्ट प्रोपोर्शन है एम्फीबियंस के ईयर का यानी एन्यूरन्स का वो क्या है, मिडल ईयर। तो मिडल ईयर क्या है, इट इज़ अ चैम्बर बेनीथ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जैसा कि आपने लास्ट स्लाइड में देखा था कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आगे एक चैम्बर है दैट इज़ नोन एज मिडल ईयर, एंड बोन ऑफ मिडल ईयर कॉल्ड स्टेप्स और कोलोमेला टच द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसको कोलोमेला कहा जाता है इन केस ऑफ एम्फीबियंस। तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ क्या होती है, कनेक्टेड होती है इसकी बोन मिडल ईयर की, स्टेप्स जो है। स्टेप्स ट्रांसमिट्स द वाइब्रेशंस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इनटू द इनर ईयर। अब स्टेप्स क्या करती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जो वाइब्रेशंस इसे एयर बोर्न रिसीव हुई हैं उसको इनर ईयर में क्या कर देगी, ट्रांसमिट कर देगी। सो ईयर कैन रिसीव टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस। द फर्स्ट वन आर हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस दैट इज़ दे रेंज फ्रॉम 1000 to 5000 हर्ट्स, एंड द सेकेंड वन आर लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस विच रेंज फ्रॉम 100 to 1000 हर्ट्स। सो द हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस आर एयर बोर्न वाइब्रेशंस एंड दे आर ट्रांसमिटेड टू इनर ईयर थ्रू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। यानी ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के जरिए हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस जाएंगी, जबकि लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस क्या हैं, दीज आर सबस्ट्रेट बोर्न वाइब्रेशंस एंड दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू द फ्रंट अपेंडेजेस एंड पेक्टोरल गिर्डल। अब पेक्टोरल गिर्डल के जरिए ये फ्रंट अपेंडेजेस के जरिए जो हैं ये मुंतकिल की जाती हैं, फाइनली एंटर इनटू इनर ईयर थ्रू ओपरकुलम। अब यहाँ पे आप ये जो आपको एक इमेज दिखाया गया है इसमें आप ये ऊपर आपको स्लाइड में दिखाया गया ओपरकुलम ये देख सकते हैं। तो ओपरकुलम के जरिए जो है ये इनर ईयर में ट्रांसमिट होती हैं। तो ओपरकुलैरिस मसल जो है इसके साथ ये जुड़ा हुआ है और सुप्रा जो है स्कैपुलर कार्टिलेज है इस तरफ आप देख सकते हैं उसकी ये जो है जो उसके फोर लिम्स हैं। तो इस तरह से फ्रंट अपेंडेजेस के ज़रिए से ये देखें यहाँ पे जो है ओपरकुलम में आएंगे और ओपरकुलम से स्टेप्स में यानी कि जाएंगी और स्टेप्स या कोलोमेला के ज़रिए से जो है वो आगे इनर ईयर में ट्रांसमिट हो जाएंगी। तो यानी ये क्या है, सबस्ट्रेट बोर्न वाइब्रेशंस है ना कि एयर बोर्न वाइब्रेशंस। जो लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस हैं तो उनको जो है वो फ्रंट अपेंडेजेस या पेक्टोरल गिर्डल के ज़रिए जो है वो लाया जाएगा कहाँ पे, इनर ईयर की जानिब फ्रॉम थ्रू ओपरकुलम, ये जो ओपरकुलम आपको दिखाया गया है। सो अब हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी, कि साउंड फ्रीक्वेंसी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसमें हम एन्यूरॉन्स को पहले डिस्कस करेंगे यानी फ्रॉग्स एंड टोड्स को। द एन्यूरॉन्स कैन लॉक ओपरकुलम एंड स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ मसल्स। अब एन्यूरॉन्स में एबिलिटी है जो ओपरकुलम आपने लास्ट स्लाइड में देखा था उसको ये क्लोज कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, और स्टेप्स को भी मसल्स की मदद से, जो मसल्स आपने दो अटैच हुए हुए देखे थे। दस दे कैन स्क्रीन आउट लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स। तो इसी वजह से ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को भी स्क्रीन कर सकते हैं और लो फ्रीक्वेंसी साउंड को भी स्क्रीन कर सकते हैं। द एन्यूरॉन्स यूज़ लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। अब ये इसको डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, जैसे अब मेटिंग पर्पज़ के लिए क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। मेटिंग कॉल्स आर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स, दस इट इज़ यूज ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। जब ब्रीडिंग सीजन इनका होगा तब ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स को पैदा करेंगे। एंड द लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स आर यूज फॉर वार्निंग ऑफ प्रीडेटर्स। यानी प्रीडेटर्स को अगर वार्न करना हो, तंबीह करनी हो, तो ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड को पैदा करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड तब पैदा करेंगे जब मेटिंग करनी है मेटिंग पर्पज़ के लिए, लो फ्रीक्वेंसी साउंड तब पैदा करेंगे जब इन्होंने प्रीडेटर से अपने आप को बचाना है या उसको वार्न करना है।
Now we will discuss about accommodation of amphibians eye. तो accommodation क्या है, इसको हम define कर सकते हैं adjusting focus for near and distant objects. यानी near objects के लिए या distant objects के लिए जो focus को adjust किया जा रहा होता eyes के, उसको क्या कहते हैं, accommodation. तो accommodation के लिए focusing भी word use किया जाता है, इसे focusing भी कहा जाता है. So it can be defined as it is the process by which the vertebrate eyes changes optical power to maintain a clear image or focus on an object as its distance varies. In this distances vary for individuals from the far point, the maximum distance for the eye for which a clear image of an object can be seen to the near point, the minimum distance for a clear image. यानी ये मिनिमम डिस्टेंस होता है जिस पे क्लियर इमेज किसी भी चीज़ का हासिल होता है. तो इसके दूसरी डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एट फोकस. सो इन दिस लास्ट स्लाइड यू कैन सी द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक कैविटी, कोलुमेला और स्टेप्स, ओवल विंडो, यूट्रिक्यूलस एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स which can detect the rotational movements. These are the parts of inner ear, semicircular canals. तो अब उसके बाद ऑडिटरी नर्व में यहाँ पे फिर जो है वो चले जाएगा ये वाला, इसको मीनिंग दिए जाएंगे और फ्रॉग जो है साउंड्स को जो है वो ट्रांसलेट कर लेगा अपने ब्रेन में. तो इस तरह से जो है ये साउंड ट्रांसमिशन होती है इन केस ऑफ एन्यूरन्स और फ्रॉग्स.